हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। कैसे हैं आप सबको? आई होप आप लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी फ्रेंड्स, बहुत दिनों से चैनल में वीडियोस नहीं आए। मैं वेकेशन पे बाहर गई हुई थी, फिर आने के बाद थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई मेरी, इसलिए मैं वीडियोस डाल नहीं पाई थी। बट अब से चैनल में आपको रेगुलरली वीडियोस देखने को मिलेंगे। हफ्ते में 2 से लेकर 3 वीडियोस तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 1200 कैलोरीज का वेट लॉस डाइट प्लान। और इस डाइट प्लान की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जितनी भी रेसिपीज को ऐड किया है ना मैंने, उन्हें बनाना भी बहुत आसान है, काफी इजी वे में इस डाइट प्लान को फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सैंपल डाइट प्लान में सुबह से लेकर शाम तक में क्या क्या खाना है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में हम लेंगे 5 मिनट्स रेसिपी। ये बेसिकली ओट स्मूदी की रेसिपी है, बहुत आसान है इसे बनाना। इसके लिए मैंने क्या किया ना, मिक्सर जार में 1 ग्लास का दूध ऐड किया है, 1 छोटे साइज का बनाना ऐड किया है, साथ में मैंने यहाँ पर 3 स्पून्स रोल ओट्स ऐड किए हैं। अगर आपके पास रोल ओट्स नहीं है तो आप इसकी जगह पे इंस्टेंट ओट्स भी ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने 1 स्पून यहाँ पे पंपकिन सीड ऐड किया है, 1 स्पून सनफ्लावर सीड्स ऐड किए हैं। पंपकिन सीड और सनफ्लावर सीड्स नहीं है आपके पास तो 10 ग्राम के आसपास का बादाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे बस हमें ग्राइंड कर लेना है और हमारा जो 5 मिनट्स का इंस्टेंट ओट स्मूदी है ये बनकर रेडी है। काफी टेस्टी रहता है ये और बहुत ज्यादा फिलिंग रहता है फ्रेंड्स। इसको लेने के बाद 3-4 घंटे तक बिल्कुल भूख नहीं लगती है। सो बहुत ही टेस्टी बनता है ये, आप लोग इसको जरूर ट्राई करिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं मिड मॉर्निंग की, यानी 11:30-11 बजे भूख लगती है तो क्या लेना चाहिए। सबसे अच्छा ऑप्शन है इस टाइम पे फ्रूट्स लेना चाहिए। फ्रूट्स में एप्पल ले सकते हैं, छोटे साइज का केला ले सकते हैं, पपीता 200 ग्राम के आसपास ले सकते हैं, पियर ले सकते हैं। सो इनमें से कोई सा भी एक फ्रूट जो है आप मीडियम साइज का अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब बात करूं मैं लंच की, तो लंच जो है वो 1 बजे से पहले कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। लंच में हम लेंगे एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी। ये बेसिकली ओट्स अम्बली की रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है। सो इसे बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि एक पैन में पानी ऐड किया है, साथ में थोड़ा सा नमक, 1 टेबलस्पून मैंने प्याज ऐड किया है। प्याज डालना टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1/4 कप मैंने भरकर इंस्टेंट ओट्स लिया है, ये ऐड करना है। 4 से 5 मिनट तक इसको हमको कुक करना है। तो यहाँ देखेंगे तो ये जो ओट्स है ये प्रॉपरली कुक हो गए हैं। जब ये पूरा ठंडा हो जाए तो 1/2 कप भरकर मैंने इसमें दही ऐड किया है, अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा तड़का ऐड किया है। तो तड़के के लिए मैंने तड़के के पैन में 1 चम्मच का तेल, थोड़ा सा राई, जीरा और मैंने करीब 15 ग्राम के आसपास का शेंग दाना ऐड किया है, साथ में थोड़ी सी कड़ी पत्ता और मिर्ची ऐड करके अच्छे से फ्राई किया है। इस तड़के को मैंने अभी ओट्स के और दही के मिक्सचर में ऐड किया है, ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसमें अनार का दाना ऐड किया है। हमारा एक हेल्थी जो लंच है फ्रेंड्स ये बनकर रेडी है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे चाहे तो 1 रोटी, थोड़ी सी मसूर दाल की सब्जी, 2-3 आप छोटे पनीर के पीसेस और थोड़ा सा दही भी ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इवनिंग टाइम की, यानी 4:30-4 बजे क्या खाना है। इस टाइम पे क्या होता है ना कि हम लोग अपनी भूख को मार लेते हैं, खाते नहीं, तो डिनर के टाइम पे बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं। तो इस टाइम पे भूख लगती है तो कुछ खाना चाहिए ताकि आप डिनर के टाइम पे ओवर ईटिंग ना करें। इस टाइम पे चना चाट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स। सो इसको बनाने के लिए क्या करना है ना कि मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के आसपास का चना लिया था, उसको बॉईल कर लिया है। टोटल ये करीब करीब 1/2 कप भर कर रहेगा। अब चना चाट के लिए हम एक मसाला रेडी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बाउल में थोड़ा सा हल्दी, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स किया है। ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरीके से पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा तेल ऐड किया है और किसा हुआ मैंने इसमें अभी जिंजर या फिर अदरक ऐड किया है, थोड़ा सा फ्राई करना है। और इसमें अभी हमें इस मसाले को ऐड करके करीब 30 सेकेंड के आसपास फ्राई करना है। और जो बॉयल हुआ चना है ये ऐड कर लेना है, 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है। ऊपर से कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च और कटा हुआ टमाटर ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाए तो ऊपर से आप कटा हुआ प्याज ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा धनिया पत्ता चॉप किया हुआ, थोड़ा सा पुदीना चॉप किया हुआ और थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर लीजिए। नमक कम लगता है तो नमक डाल लीजिएगा। हमारा जो चना चाट है ये बनकर रेडी है। ये 2 लोगों के लिए है, सिंगल अगर आप अपने लिए इवनिंग के टाइम पे बना रहे हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको 1/2 कर लेना है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है ये रेसिपी फ्रेंड्स। इसके अंदर प्रोटीन और फाइबर आपको काफी अच्छी मात्रा में मिलता है तो आपका पेट भी जो है ये काफी देर तक भरा हुआ रहेगा। अगर आप मान लीजिए चना चाट नहीं लेना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप चाहें तो 1 ग्लास भरकर आप दूध भी अपने डाइट में इस मोमेंट पे ऐड कर सकते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं डिनर टाइम की। तो डिनर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ब्रेड पिज्ज़ा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले तो पैन में मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया था, कटा हुआ प्याज ऐड करना है, अच्छे से फ्राई करना है। थोड़ा सा हमें इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट ऐड करके फ्राई कर लेना है, कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड कर लेना है, अच्छे से फ्राई करना है। और साथ में यहाँ पे देखेंगे ना तो मैंने 50 ग्राम्स के आसपास का मैंने पनीर का टुकड़ा लिया हुआ है, इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऊपर से सीजनिंग जैसे कि ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स ये ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। तब तक फ्राई करना है जब तक कि पूरा का पूरा जो पानी है वो पूरा अच्छे से सूख ना जाए। आप चाहें तो ये जो स्टफिंग मैंने बनाया है इसको आप रोटी के बीच में रखकर एक बड़ा सा पराठा बनाकर ले सकते हैं, या तो फिर अगर आप बहुत थक गए हैं तो उस मोमेंट में आप इस तरीके से एक छोटा सा ब्रेड ले लीजिए, इसको रोल कर लीजिए तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा। तड़के वाले पैन में थोड़ा सा घी ऐड किया है मैंने और इसको थोड़ा सा टोस्ट कर लिया है, और ये जो मिक्सचर है ना पनीर का स्टफिंग ये मैंने यहाँ पर ऐड किया है और इसको थोड़ा सा कुक कर लिया है। तो एकदम क्रिस्पी जो ब्रेड पिज्ज़ा है ना वो हमारा बनकर रेडी है। ब्रेड पिज्ज़ा में ब्रेड की जगह चाहे तो आप रोटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखा ना आपने आज का डाइट प्लान कितना आसान है इन सारी रेसिपीज को बनाना। फ्रेंड्स, वेट लॉस के लिए केवल एक दिन का डाइट प्लान फॉलो करने से नहीं होगा, हमें लॉन्ग टर्म एक हेल्दी डाइट लेना जरूरी है। मैंने ऑलरेडी आप सभी के साथ कई सारी हेल्दी रेसिपीज और डाइट प्लान की वीडियोस भी शेयर की हुई हूँ, उसके लिए आप मेरे चैनल को एक बार चेक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, इन डाइट प्लान के साथ में हमें दिन भर में कम से कम 2.5 से लेकर 3 लीटर तक का पानी जरूर लेना चाहिए। साथ ही साथ आप चाहे तो सिनेमन वाटर हुआ या तो फिर टर्मरिक टी हुआ, इन्हें भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम 30 से लेकर 45 मिनट का एक्सरसाइज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय, टेक।